गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएनटी यूट्यूब चैनल। बीबीए थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, द सब्जेक्ट दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, जो हम लोग थर्ड ईयर में डिस्कस करते हैं, उससे रिलेटेड आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आज का जो टॉपिक है दैट इज प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड सेलेक्शन। बेसिकली ये जो टॉपिक, जो कंटेंट है, जिस यूनिट से हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हमारा बेसिकली जो मेजर फोकस है वो बिजनेस आइडिया का डेवलपमेंट करना और इसके अलावा प्रोजेक्ट को फाइंड आउट करना। तो ये जो टॉपिक है आज, दैट इज प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। जब भी कोई एंटरप्रेन्योर अपना कोई बिजनेस या एंटरप्राइज स्टार्ट करने के लिए सोचता है, तो अपने बेसिकली आइडियाज को जनरेट करता है एंड आफ्टर दैट ही ट्राइज टू कन्वर्ट दैट आइडियाज इनटू रियलिटी। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करना, या फिर हम उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन, जो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर दूं कि अब तक के कंटेंट को समझने के लिए आपको वीडियोस को फॉलो करना है, लास्ट तक देखना है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। दूसरी चीज, आज के कंटेंट को भी समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। कंटेंट्स के नोट जो है वीडियो लिंक के साथ अटैच कर दिए जाएंगे, जिससे कि आप इसे वर्ड टू वर्ड फॉलो कर सकें। ऑडिबिलिटी इशू ना हो तो ईयरफोन्स के साथ वीडियो को सुने। इसके अलावा कहीं भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। अटेंडेंस मार्क करने के लिए भी कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखें। आई होप कंटेंट आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, द टॉपिक इज प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन। एक बार जब एंटरप्रेन्योर ने अपने बेसिकली आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट कर लिया, फर्स्ट ही विल आइडेंटिफाई द आइडिया, आफ्टर दैट ही विल कन्वर्ट द आइडिया इनटू रियलिटी, एंड द थर्ड स्टेप इज प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन। तो आज का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेगा कि भी प्रोजेक्ट क्या होता है, व्हाट आर द वेज टू आइडेंटिफाई एंड इलेबोरेट अकाउंट प्रोसीजर टू बी फॉलो टू फाइनली सेलेक्ट द प्रोजेक्ट। एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज गो हैंड इन हैंड, बट नाउ वी हैव लर्न हु इज एन एंटरप्रेन्योर एंड व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। भाई अभी तक हमें ये तो पता है कि जो एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योरशिप है और एंटरप्राइज है, ये तीनों चीजें दे विल गो हैंड इन हैंड। एंटरप्रेन्योर से एंटरप्रेन्योरशिप है, एंटरप्रेन्योरशिप से ही तो एंटरप्राइज सेटअप होगा। तो अभी तक हमने समझने की कोशिश की है कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एंटरप्रेन्योरशिप किस एक्टिविटी को कहा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं एंटरप्राइज की, मतलब कि जो हमने प्रोजेक्ट फाइनलाइज किया है उसको हम कैसे फाइनलाइज करेंगे, क्या तरीके हैं उसे आइडेंटिफाई करने के। तो दिस इज बेसिकली द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ टूडेज क्लास। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट इज, जो हम नेक्स्ट क्लास में इसको मतलब आगे फॉलो करेंगे, इन प्रैक्टिस एन एंटरप्रेन्योर टेक्स न्यूमरस डिसीजन टू कन्वर्ट हिज बिजनेस आइडिया इनटू रनिंग कंसर्न। इन सेटिंग अप हिज बिजनेस हिज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट सिलेक्शन। भाई जब भी कोई एंटरप्रेन्योर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, व्हेनेवर ही थिंक्स टू स्टार्ट अप एन एंटरप्राइज, तो वो अपने बिजनेस आइडिया को कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग तरह के बिजनेस डिसीजन लेता है, जिससे कि वो अपने आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट कर सके और अपने प्रोजेक्ट को फाइंड आउट कर सके। द सिलेक्शन इज द फर्स्ट कॉर्नर स्टोन टू बी लेड डाउन इन सेटिंग एन एंटरप्राइज। किसी भी एंटरप्राइज की स्थापना करने के लिए, उसे सेटअप करने के लिए, जो सबसे पहला स्टेपिंग स्टोन होता है वो अपने प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करना होता है, कि हमें किस प्रोजेक्ट पे काम करना है जब हम उसको फाइनलाइज कर लेते हैं। एम आई क्लियर? द सिलेक्शन ऑफ राइट प्रोजेक्ट गोज टू वैलिडेट द प्रपोजिशन वेल बिगन इज हाफ डन। भाई हमने ये भी सुना है कि वेल बिगन इज हाफ डन, अगर शुरुआत अच्छी होती है तो चीजें अपने आप ही एक अच्छा रिजल्ट लेकर आती है। तो अगर आपका जो एंटरप्राइज है, जो आपका प्रोजेक्ट है, वो आपने सही तरीके से सेलेक्ट कर लिया, तो आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी है, जो आपका एंटरप्राइज है, वो अपने आप में एक अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा, अगर आपने अपना जो प्रोजेक्ट है उसको सही तरीके से फाइनलाइज कर लिया। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट। वी जस्ट मेंशन दैट द वेरी फाउंडेशन ऑफ एन एंटरप्राइज इज द प्रोजेक्ट। हर एक एंटरप्राइज की जो स्थापना है वो कैसे शुरू होती है, प्रोजेक्ट के फाइनलाइजेशन से। हेंस द सक्सेस ऑफ फेलियर ऑफ एन एंटरप्राइज इज लार्जली डिपेंडेंट अपॉन द प्रोजेक्ट। इन सिंपल वर्ड्स, अ प्रोजेक्ट इज एन आइडिया और प्लान दैट इज इंटेंडेड टू बी कैरिड आउट। भाई सिंपल सी बात है, किसी भी एंटरप्राइज को सेटअप करने के लिए जो सबसे पहला स्टेपिंग स्टोन है वो प्रोजेक्ट फाइनलाइजेशन होता है, और जो प्रोजेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा
रिस्पॉन्सिबल देखा गया है फॉर द सक्सेस एज वेल एज द फेलियर ऑफ एन एंटरप्राइज. अगर अच्छा प्रोजेक्ट है तो सक्सेस है, अगर प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है तो फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे. तो बेसिकली इट इज एन आइडिया और प्लान दैट इज इंटेंडेड टू बी कैरिड आउट. प्रोजेक्ट इज दैट स्कीम डिजाइन अ प्रपोजल ऑफ समथिंग इंटेंडेड टू बी अचीव. प्रोजेक्ट को हम और शब्दों में अगर डिस्कस करें तो किसी भी तरह का आइडिया, किसी भी तरह का प्लान, किसी भी तरह का डिजाइन, जो बेसिकली एक प्रपोजल होता है जो हमें आगे चल के अचीव करना है, उस प्रपोज आइडिया को, स्कीम को, प्लान को हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट, जिसको फाइनली हम सेलेक्ट करते हैं. इफ वी डिफाइन अ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट इज टिपिकली एज मिशन दैट इज डिजाइन टू अचीव एंड अ क्लियर टर्मिनेशन पॉइंट द अचीवमेंट ऑफ द मिशन एज अ होल कॉम्प्लेक्स ऑफ एक्टिविटी इन्वॉल्व रिसोर्सेज टू गेन बेनिफिट. बेसिकली अगर हम डिफाइन करें तो प्रोजेक्ट टिपिकली क्या है? एक ऐसा मिशन है दैट इज डिजाइन टू अचीव. इट इज अ टाइप ऑफ मिशन दैट इज डिजाइन टू अचीव. अचीवमेंट ऑफ मिशन को हम और शब्दों में भी कह सकते हैं, इट इज होल कॉम्प्लेक्स ऑफ एक्टिविटी विच इज बेसिकली प्रैक्टिस टू रीगेन और टू गेन बेनिफिट. अ प्रोजेक्ट कैन बी डिफाइंड एज अ वर्क प्लान दैट इज डिजाइन और डिवाइस टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विद अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. अगर हम इसको और शब्दों में भी डिस्कस करें तो प्रोजेक्ट एक बेसिकली सिस्टमैटिक वर्क प्लान होता है दैट इज डिवाइस्ड या फिर उसको डिजाइन भी कहा जाता है टू अचीव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. निर्धारित ऑब्जेक्टिव के साथ निर्धारित समय पर जो चीजें अचीव कर दी जाएंगी, ऐसे वर्क प्लान को प्रोजेक्ट कहते हैं. इट इज इम्पोर्टेंट टू मेंशन प्रोजेक्ट कैन डिफर इन देयर साइज, नेचर, ऑब्जेक्टिव, टाइम ड्यूरेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी. ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट होते हैं वो डिफर करते हैं साइज में, छोटा भी प्रोजेक्ट हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, नेचर में, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव, टाइम ड्यूरेशन कम समय का, ज्यादा समय का, या कॉम्प्लेक्सिटी में. अपार्ट द फॉलोइंग थ्री बेसिक एट्रीब्यूट है कोर्स ऑफ एक्शन, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड टाइम पीरियड ऑफ अ प्रोजेक्ट. जो तीन चीजें मेन होती हैं प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन में वो होती है कोर्स ऑफ एक्शन, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड टाइम प्रोस्पेक्टिव. क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन इज अ नेचुरल स्टडी ऑफ प्रोजेक्ट आइडिया. डिफरेंट अथॉरिटी क्लासिफाइड प्रोजेक्ट डिफरेंटली. प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन एक ऐसी नेचुरल स्टडी है जिसमें हम प्रोजेक्ट को स्टडी करते हैं. अब वो बेटा तीन तरीके से की जा सकती है, क्वांटिफिएबल एंड नॉन क्वांटिफिएबल प्रोजेक्ट, सेक्टोरियल प्रोजेक्ट, टेक्नो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट. क्वांटिफिएबल एंड नॉन क्वांटिफिएबल प्रोजेक्ट क्या होते हैं? बेसिकली क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ बेनिफिट्स आर मेड. कि हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट की स्टडी करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब मैंने बताया, वेन एवर वी ट्राई टू स्टडी द प्रोजेक्ट तो उसमें हम स्टडी करते हैं कि कितना बेनिफिट है. द प्रोजेक्ट कंसर्न विद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पावर जनरेशन, ये किसमें आते हैं? आपके क्वांटिफिएबल में. नॉन क्वांटिफिएबल आर दोज दैट कैन नॉट मेड प्रोजेक्ट, हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस, ये नॉन क्वांटिफिएबल में, जिसमें बेनिफिट जो है वो आपके हेल्थ से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड होते हैं. और क्वांटिफिएबल में बेसिकली जैसे पावर जनरेशन का प्रोजेक्ट है, मिनरल डेवलपमेंट का है, तो वो क्वांटिफिएबल में होते हैं जिनकी बेनिफिट्स नोट किए जाते हैं. अगला तरह से जो हम उसको क्लासिफाई करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन प्रोजेक्ट में फॉल इन वन ऑफ द सेक्टर्स. क्योंकि सेक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, सोशल सर्विस सेक्टर्स और मिसलेनियस सेक्टर्स. तो ये क्लासिफिकेशन होती है सेक्टोरियल प्रोजेक्ट की. थर्ड टाइप होता है टेक्नो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स. क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द टेक्नो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि फैक्ट्री इंटेंसिटी ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन, कॉजेशन क्लासिफिकेशन, मैग्नीट्यूड. ये भी आपके दो तरह से क्लासिफिकेशन यहाँ पे बताई गई है. फैक्ट्री इंटेंसिटी ओरिएंटेशन का मतलब होता है दीज प्रोजेक्ट्स आर क्लासिफाइड एज कैपिटल इंसेंटिव या फिर लेबर इंसेंटिव. इफ लार्ज इन्वेस्टमेंट इज मेड इन प्लांट एंड मशीनरी तो ये क्या हो जाएंगे? कैपिटल इंसेंटिव. अगर ज्यादा नंबर ऑफ वर्क फोर्स इन्वॉल्व है तो वो हो जाएंगे लेबर इंटेंसिव. अब दूसरा जो मैंने आपको बताया दैट इज मैग्नीट्यूड. दीज प्रोजेक्ट आर बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ साइज. जैसे मैंने आपको बताया ना कि साइज, नेचर, ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट होती है जब हम प्रोजेक्ट क्लासिफाई करते हैं. तो प्रोजेक्ट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लार्ज स्केल, मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल.
साथ सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ मेन्स स्टेप। जब भी हम प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, अभी तक मैंने आपको डिस्कस किया है प्रोजेक्ट को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, वो क्वांटिफिकेबल भी हो सकता है, नॉन क्वांटिफिकेबल भी हो सकता है, साइज के बिहाफ पर लार्ज स्मॉल मीडियम स्केल भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट सेलेक्शन। प्रोजेक्ट सेलेक्शन के जो मेन स्टेप्स होते हैं, प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करना जो हमने अभी डिस्कस किया, उसके बाद प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना। आइडेंटिफिकेशन में क्या चीजें होती है, जैसे सबसे पहले है सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट विद जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट आइडिया। इन ऑर्डर टू सेलेक्ट मोस्ट प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट द एंटरप्रेन्योर नीड टू जनरेट अ फ्यू आइडियाज अबाउट द पॉसिबल प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट आइडिया कैन बी डिस्कवर्ड फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिसोर्स। सिलेक्शन जो प्रोसेस होता है वो तभी से स्टार्ट हो जाता है जैसे ही कोई एंटरप्रेन्योर नया आइडिया जनरेट करता है, वो इंटरनल सोर्स से भी हो सकता है और एक्सटर्नल सोर्स से भी। अब इसमें कौन कौन सी जो चीजें इन्वॉल्व रहती है, जैसे कि नॉलेज ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स, वॉचिंग द ट्रेंड्स इन डिमांड, क्या चल रहा है आजकल डिमांड में, स्कोप ऑफ प्रोड्यूसिंग सब्स्टिट्यूट प्रोजेक्ट, इसके बिहाफ पे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, गोइंग थ्रू सर्टेन प्रोफेशनल मैगजीन्स लाइक और स्पेसिफिक इंटरेस्ट लाइक कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, सक्सेस स्टोरीज ऑफ नोन एंटरप्रेन्योर और फ्रेंड, उसके बेसिस पे भी सिलेक्शन हो सकता है, मेकिंग विजिट टू ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन, मीटिंग द गवर्नमेंट एजेंसीज, आइडिया गिवन बाय नॉलेजेबल पर्संस, अ न्यू प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉम्पिटिटर्स। तो ये सब बेसिकली हमारी अपॉर्चुनिटीज को स्कैन और आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करते हैं। प्रोजेक्ट सिलेक्शन स्टार्ट फ्रॉम वेयर, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड। एक बार जब प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई हो जाएगा, जो हमने अभी देखा कि भाई कैसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं, जैसे वो खत्म होता है तो अगला स्टेप स्टार्ट होता है प्रोजेक्ट सिलेक्शन का। वेयर द आइडेंटिफिकेशन एंड्स, अ टूल जनरली यूज फॉर दिस पर्पस इज स्वॉट एनालिसिस। बेसिकली प्रोजेक्ट का सिलेक्शन किस आधार पर किया जाता है, स्वॉट एनालिसिस के आधार पर किया जाता है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को देखा जाता है। Entrepreneur analyzes the strength, weakness as well as opportunities and threats offered by the project idea. Finally, the project selected converted into the enterprise. The process involved in selecting a project. Some project also describe zeroing the process. So basically, ये हमने जो आज का content discuss करने की कोशिश की है students, इसमें हमने ये भी discuss किया है कि भाई किस तरह से जो finally जो project है वो कैसे identify होता है और कैसे select होता है। वापस से मैं आपको रिकॉल कर दूं कि जब भी हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो एंटरप्रेन्योर, एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योरशिप, दे गो हैंड इन हैंड। पहले जो एंटरप्रेन्योर है वो अपने बिजनेस को या एंटरप्राइज को सेटअप करने के लिए प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करेगा। आइडेंटिफाई करने के बाद प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया जाता है। आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, नॉलेज के बिहाफ पर, ट्रेड्स में जाकर, मैगजीन्स के थ्रू देखकर, गवर्नमेंट एजेंसी से मिलकर, तो ये सब ऑप्शंस हम देख सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। जब ये चीजें हो जाती है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है सिलेक्शन का। सिलेक्शन कैसे होता है, स्वॉट एनालिसिस से। जब हम उस आइडिया को एनालाइज करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को एनालाइज करते हैं, तो दिस इज बेसिकली प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन। आई होप कंटेंट आप इजीली समझ पाए हैं। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ये नोट्स के कंटेंट लिंक में शेयर रहेंगे जिससे कि वर्ड टू वर्ड आप फॉलो कर पाएं और आई होप आप कंटेंट इजीली समझ पाएंगे। थैंक यू क्लास।